सोमवार को हुई नूह हिंसा में गोली लगने से हुई पानीपत के नूरवाला के अभिषेक की मौत। मामले में पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में जंग कर हंगामा हुआ। परिजनों ने काफी हंगामे के बाद जिला प्रशासन और सरकार से हुई वार्ता के बाद परिजन शव लेने के लिए तैयार हुए और शव का अंतिम संस्कार किया गया। शव को जिस समय एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल से लेकर जाने लगे तो तब भी कुछ युवाओं ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक कर नारेबाजी की और कहा कि बैठक में मानी गई बातें लिख कर दी जाए, तभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मृतक अभिषेक के चाचा ने कहा कि वो बैठक से संतुष्ट हैं, जिसके बाद शव को संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं मामले को लेकर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि अभिषेक की बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। गोली लगने के बाद अभिषेक को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो उस वक्त उपद्रवियों ने एम्बुलेंस को रुकवा कर तलवार से अभिषेक का गला काट कर उसकी हत्या कर दी और एम्बुलेंस को भी जला दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन सारा यहाँ पर था और परिवार के साथ थे सुबह 5 बजे से, और उन्होंने जो बच्चे का जो दुख है वो सारे समाज पर बहुत ही नृशंस हत्या की गई है। जो जानकारी में आया कि गोली लगने के बाद भी जब एम्बुलेंस लेके जा रही थी तब भी उसका तलवार के साथ गला काटा गया, एम्बुलेंस को रोक के और एम्बुलेंस को जलाया गया। तो 2 घंटे के लिए मीटिंग चल रही थी, किस बातों को लेकर? परिवार के लोग थे, समाज के लोग थे, क्योंकि परिवार में ये बच्चा कमाने वाला था। इसने अपनी शॉप खोल रखी थी कार रिपेयर की और अभी ये था, परिवार के ऊपर बोझ था। वो समाज, सरकार तो जो करेगी सो करेगी, समाज भी करेगा, उस बात के ऊपर चिंतन चल रहा था। आगे परिवार के अंदर भाई हैं, उनका जीवन यापन हो, उस बात की चिंता करी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो। और ये परिवार संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, बहुत भारी संगठन के लोग थे, वो भी बहुत बड़े दुख में थे। सीएम से बात करवाई सर परिवार? नहीं, उनके मेरी खुद की बात हुई, उन साहब से भी बात। उन्होंने कहा भी जो आप बैठे हो, जिस तरह का निर्णय वहाँ पर जिला प्रशासन बैठा है, यहाँ पर प्रमोद विची थे, जिलाध्यक्ष जी थे, महिपाल ढांडा जी थे, अमनीत कौर जी थी, हमारे विचार परिवार के संगठनों के सभी यहाँ पर लोग थे, किशिंदु परिषद के, सबके साथ बैठ के जो उन्होंने कहा उसकी सहमति दी गई। सब संस्कार के लिए निकल चुके हैं? हाँ जी, वो पहले घर जाएंगे और वहाँ से घर से माँ को मिलाकर फिर आगे पानीपत में शांति की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, शांति रहनी चाहिए। बता दें कि सोमवार को पानीपत से यात्रा में शामिल होने के लिए 100 लोगों का जत्था निकला था। जिस समय नूह में हिंसा हुई पानीपत के श्रद्धालु भी वहाँ पर पहुँच गए थे। माहौल को बिगड़ता देख मौजूद महिलाओं और बच्चों को मंदिर में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें प्रशासन की मदद से पुलिस लाइन में ले जाया गया और वहां से सुरक्षा में पानीपत भेजा गया। लेकिन अभिषेक की गोली लगने से मौत हो गई थी। 50 लाख रुपए परिवार को नगद दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से एक सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा और जो इसकी जाँच है वो NIA से कराई जाएगी, ये मांगे सरकार ने मानी। अब जो संगठन इसके साथ खड़े थे और परिवार के लोग थे वो सब सहमत हो गए? वो सहमत हो गए तभी सभी लोग ले। वहीं हरियाणा गौशाला संगठन के प्रदेश प्रवक्ता आजाद सिंह आर्य ने कहा कि सरकार ने एक सरकारी नौकरी और 50 लाख आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं और परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं। वहीं तमाम संगठन भी सरकार के आश्वासन से संतुष्ट हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।